एसडीपी मैथ्स ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसडीपी मैथ्स ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हम लोग ये सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, यानी कि कोई भी एक नंबर का प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब नीचे दिया हुआ हर एक नंबर का हमें प्राइम फैक्टर्स निकाल के उन प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना होगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। कोई भी एक नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या है। तो पहले हम लोग प्राइम नंबर्स क्या है ये सीख लेते हैं। दोस्तों, राफ में देखिए, प्राइम नंबर ए नंबर व्हिच इज़ डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन इज कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर है एक ऐसा नंबर जो कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ वन एंड द नंबर खुद से डिवाइड कर सकता है। जैसे कि टू सिर्फ वन से डिवाइड होगा और टू से डिवाइड होगा। जैसे कि सेवन वन से डिवाइड होगा और सेवन से डिवाइड होगा। जैसे कि 19 वन से डिवाइड होगा एंड 19 से डिवाइड होगा। अभी हम लोग वन से लेके 30 तक कितना प्राइम नंबर है राफ में देख लेते हैं। यहाँ में देखिए, 1 से लेकर 30 तक सारे नंबर को ब्लू कलर का ओवल में लिखा हुआ है। तो प्राइम नंबर कौन सा है? देखिए, जितना भी ब्लू कलर का ओवल रह गया वही सब प्राइम नंबर है, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29। ये सारा है प्राइम नंबर, क्योंकि ये सब नंबर को कोई और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 1 से, और ये नंबर खुद से डिवाइड करेगा। इसीलिए प्राइम नंबर है एक ऐसा एक नंबर जो कोई नंबर से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ वन से एंड खुद से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे वन से लेके 30 तक सारा प्राइम नंबर दिया हुआ है। तो अगर हमें कोई भी एक नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकालना है तो हम लोग उस नंबर को सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड देना पड़ेगा। सॉल्यूशन में देखिए, सपोज हमें अभी 140 का प्राइम फैक्टर्स निकालना है, तो हमें अभी 140 को सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड देना पड़ेगा। तो आइए अभी हम 140 का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। अभी यहाँ पे 140 को देखिए, 140 को हम लोग 2 से, 5 से, 7 से और 10 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 10 से डिवाइड नहीं कर सकते। किस लिए? 10 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि हमें 140 का प्राइम फैक्टर्स निकालना है, तो सिर्फ हम लोग 140 को प्राइम नंबर से ही डिवाइड देना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों, 140 को हम लोग 10 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 10 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे 140 को हम लोग पहले 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। 2 से 140 को डिवाइड किया तो आया 70। फिर 70 को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते, 5 से डिवाइड कर सकते, 7 से डिवाइड कर सकते और 10 से डिवाइड कर सकते, लेकिन 10 से हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 10 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो हम लोग 70 को 2, 5 और 7 कोई भी एक नंबर से डिवाइड करना होगा। तो हम लोग 70 को 2 से डिवाइड किया और आया 35। फिर 35 को हम लोग 5 से डिवाइड किया तो आया 5 7 जा 35। अभी देखिए, 140 का हम लोग प्राइम फैक्टर सारा निकाल लिया, यानी कि 2, 5 एंड 7। साइड में जितना भी नंबर आ रहा है ये सारा है 140 का प्राइम फैक्टर्स। नीचे अभी 7 आ गया, इसीलिए 7 भी एक प्राइम नंबर से, 7 को और हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये सारा हो गया हम लोगों का 140 का प्राइम फैक्टर्स, यानी कि 2, 5 एंड 7। तो अभी हमें लिखना है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। जितना भी प्राइम फैक्टर्स आया सारे को हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना होगा। अभी दूसरा मैच देख लीजिए, 7429। 7429 को पहले जैसा ही हम लोग डिवाइड देना पड़ेगा। तो 7429 को पहले हम लोग 17 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 437। फिर 437 को 19 से डिवाइड देंगे तो आएगा 23। अभी ये जो लास्ट में 23 आया, ये जो 23 है ये एक प्राइम नंबर है, 23 को हम अभी और डिवाइड नहीं कर सकते हैं।
साइड में जितना भी प्राइम फैक्टर्स आ रहा है ये सारा नंबर को हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना होगा, यानी कि 17, 19 एंड 23 ये तीनों नंबर को हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना होगा। इसीलिए हम लोग लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। तो आखिर में हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, कोई भी एक नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए उस नंबर को सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड देना पड़ेगा। आप लोग भी एक ट्राई कर सकते हैं 3850, उसका प्राइम फैक्टर्स निकाल के प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट फॉर्म में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।